आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, हमारे जो नुस्खे होते हैं वो वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं, इसलिए आप लोग हमारे चैनल को आज और अभी सब्सक्राइब कर लें। आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और घर बैठे मिले तो आप बेल आइकन को प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले घर बैठे मिल सकेंगे। पैरों में जलन एक बहुत ही आम समस्या होती है और किसी भी उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। जलन हल्के से लेकर गंभीर और तीव्र यानी क्रोनिक प्रकृति की भी हो सकती है। अक्सर पैरों में जलन तंत्रिका तंत्र में नुकसान या शिथिलता के कारण होती है। आप इस समस्या को घरेलू कुछ उपायों के जरिए खत्म कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। पैरों में जलन को दूर करने के लिए आज हम हमारे वीडियो में आपको घरेलू उपाय बता रहे हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसके लिए आप ठंडे पानी का इस्तेमाल करके अपने पैरों की जलन को दूर कर सकते हैं, क्योंकि ठंडा पानी पैरों में जलन के लिए सबसे अच्छे घरेलू उपचार के रूप में माना जाता है। ठंडा पानी पैरों में होने वाली झुनझुनी, सुन्नता और सूजन से हल्की राहत प्रदान करता है। इसके लिए टब में ठंडा पानी भरें, फिर इस पानी में अपने पैरों को कुछ मिनट तक भिगोएं। अपने पैरों को थोड़ा आराम देने के बाद फिर से ऐसा करें। इस उपाय को दिन में कई बार दोहराएं। कुछ मिनट से ज्यादा अपने पैरों को ठंडे पानी में ना भिगोएं, क्योंकि इससे लक्षण खराब हो सकते हैं। इसके अलावा अपने पैरों पर सीधे बर्फ या आइस पैक को ना लगाएं। और अगर मौसम बदलने लगे या सर्दियां हैं तो हल्का गुनगुना पानी आप इसकी जगह ले सकते हैं। आप सेब साइडर सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सेब साइडर सिरका शरीर के पीएच स्तर में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। साथ ही ये पैर में जलन के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए एक गिलास गर्म पानी में एक दो बड़े चम्मच कच्चा और अनफिल्टर्ड सेब साइडर सिरका मिलाकर मिश्रण बना लें। अच्छे परिणाम पाने के लिए नियमित रूप से इसे पिएं। इसके अलावा एक टब में गर्म पानी भरें, फिर इसमें दो बड़े चम्मच सेब साइडर सिरका और थोड़ी सी मात्रा में समुद्री नमक या सेंधा नमक मिला लें। दिन में दो बार 20 मिनट के लिए इसमें पैरों को भिगो दें, फिर आप देखेंगे कि आपकी जलन कैसे उड़न छू होती है। दोस्तों, हल्दी भी आपकी मददगार साबित हो सकती है, क्योंकि हल्दी में एक तत्व पाया जाता है करक्यूमिन, जो पूरे शरीर में रक्त प्रवाह और रक्त परिसंचरण में सुधार लाने के लिए मदद करता है। इसके अलावा हल्दी में मौजूद एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पैरों की जलन और दर्द को दूर करने में मदद करते हैं। पैरों में जलन की समस्या होने पर आप एक गिलास पानी में एक दो चम्मच हल्दी को मिला लें। अच्छे परिणाम पाने के लिए दिन में दो बार इस उपाय को लें। इसके अलावा आप दो चम्मच हल्दी में पर्याप्त मात्रा में पानी मिलाकर पेस्ट बना लें, फिर इस पेस्ट को एक दिन में एक या दो बार जलन वाले हिस्से में लगा लें। लेकिन ध्यान रहे, इस उपाय से पैरों में दाग पड़ सकते हैं। दोस्तों, करेला आपका मित्र साबित हो सकता है, क्योंकि आयुर्वेद में करेला पारंपरिक रूप से पैरों की जलन को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। समस्या होने पर मुट्ठी भर करेले की पत्तियों को लेकर उसमें पानी मिलाकर पेस्ट बना लें, फिर इस पेस्ट को प्रभावित हिस्से पर लगा लें। इस उपाय से पैरों की जलन आसानी से और बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगी। जरूरत पड़ने पर इस उपाय को दोबारा भी दोहरा सकते हैं। दोस्तों, इतने सारे उपाय हैं, आप कोई भी उपाय कर सकते हो। दोस्तों, आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है, जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।